बंगाली एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की नव निर्वाचित सांसद नुसरत जहां हाल ही में संसद पहुंची और अपने पद की शपथ ली। इस दौरान नुसरत साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही, तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें ट्रॉल भी किया। लेकिन शायद नुसरत का यह अवतार देवबंद के इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने नुसरत जहां के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। आपको बता दें, नुसरत जहां पश्चिम बंगाल की बशीरहाट से सांसद चुनी गई है और उन्होंने हाल ही में कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी की है। चूंकि निखिल जैन एक हिंदू हैं और साथ ही नुसरत मुस्लिम हैं, तो उसको लेकर जब उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और साथ ही वो संसद में नजर आई, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। और अपनी शादी के बाद जब नुसरत जहां संसद में अपने पद की शपथ लेने के लिए पहुंची, तो उन्होंने खूबसूरत साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर लगाया था, मंगलसूत्र पहना था, जिसके बाद उनकी जो तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई और यही वजह रही कि इस्लामिक शिक्षण संस्थान देवबंद के दारुल उलूम को ये उनका अवतार पसंद नहीं आया, उन्हें इस पर कड़ा एतराज़ जताया और उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। लेकिन इसको लेकर अब देश में एक नई बहस छिड़ गई है। अब बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची भी इस मसले में कूद आई है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या मंगलसूत्र पहनना हराम और बुर्का पहनना जायज है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम महिला हिंदू से शादी कर ले और बिंदी बिछिया और मंगलसूत्र पहने तो मुस्लिम मौलवी उसे हराम कहते हैं, लेकिन हजारों मुस्लिम हमारी हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसा कर लव जिहाद के नाम पर उन्हें बुर्का पहनने को कहते हैं, वो क्या जायज है। और अब साध्वी प्राची की इस टिप्पणी पर देवबंद के दूसरे मौलवी ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी औरतें आग लगाती हैं और साथ ही बेलगाम होती हैं, अपनी जुबान से आग उगलती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शायद इस्लाम की जानकारी नहीं है, इस्लाम अमन का पैगाम देता है। तो इस तरीके से नुसरत जहां के अवतार को लेकर दारुल उलूम के मौलवी और साथ ही बीजेपी की नेता साध्वी प्राची के बीच एक बहस छिड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इंसान को लेकर यह बहस छिड़ी है, यानी नुसरत जहां को लेकर यह पूरी बहस छिड़ी है, उनकी कोई भी प्रतिक्रिया अभी इस मामले पर नहीं आई है। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99.9।